आइए आज हम इस वीडियो में एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जिस योग के जन्म कुंडली में होने के बाद व्यक्ति को पूरी जिंदगी अकूत धन संपत्ति का मालिक बनाता है योग, और ऐसे व्यक्ति के पास सदैव ही धन का खजाना भरा हुआ रहता है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप जानें इस वीडियो में कि अकूत धन संपत्ति बनाने वाले योग जिसे खरबपति योग कहते हैं, उस योग के कारक ग्रह कौन से होते हैं, और अगर जन्म कुंडली में वैसा योग नहीं है तो कौन से उपाय करके हम उस तरह के योग बना सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने ये ठान लिया है कि हमें ज़िंदगी में कुछ कर लेना है, ज़िंदगी में बहुत ही धन कमाना है ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखे, उनको कभी भी दुख की कोई भी सीमा देखनी न पड़े, ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ सुख दे सकता है, आपको इतना धनवान बना सकता है कि आपकी कई पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी, वह ग्रह है राहु। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। वह जब आपकी ज़िंदगी में रहस्य से पर्दा उठाता है तो आदमी की ज़िंदगी ही बदल देता है। ऐसा आदमी बड़ा ही साहसी हो जाता है, साहसिक काम करने वाला, हमेशा रिस्क लेकर के काम करने वाला, और इस तरह से काम करता है कि अचानक काम करते हुए उसकी दुनिया बदल जाती है। और ऐसी स्थिति में राहु ही, देखिए राहु को लोग नकारात्मक ग्रह भी कहते हैं, राहु खराब हो जाए तो आदमी दुराचारी हो जाता है, दुष्प्रवृत्ति का हो जाता है, नशा करता है या दुनिया भर के गलत कार्यों में लग जाता है, बुरी संगत तो करता ही करता है। तो इन सब बातों को, राहु के नकारात्मक स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए, राहु जन्म कुंडली के भाव में अगर शुभ ग्रहों के से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो आदमी की ज़िंदगी को बदलने में पल भर का भी समय नहीं लगता। जैसे ही राहु की अपनी दशा आती है, अंतर दशा आती है, या राहु जैसे ही गोचर में घूमते हुए अपने अच्छे घर के साथ, अच्छे ग्रह के साथ, अपने मित्र ग्रह के साथ युति करता है, वैसे ही आदमी की ज़िंदगी बदलने लगती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खेल नहीं हुआ है, आपने पाया नहीं है वो धन कि राहु ने आपको चमत्कार अगर नहीं दिखाया है, तो इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा कि कुंडली में राहु अगर शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, शुभ जगह पर न हो, तो भी आपको वह शुभ जगह आकर के काम करेगा ही करेगा। अब मैं राहु की वो तीन स्थितियां बताता हूं जो जन्म कुंडली में, अगर ऐसी स्थिति में हो, आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके स्वयं देख सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति में होगा तो राहु अपनी दशा में या जिस ग्रह के साथ है उसकी दशा में आपको वो धन देगा ही देगा, जिससे आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं, खरबपति बन सकते हैं। पहली बात, जब राहु बुध के साथ हो, देखिए बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, ज्ञान का कारक है। बुध जब राहु के साथ होता है, दशम में बैठा हो, समझ लीजिए कन्या राशि का या मिथुन राशि का, तो जब राहु की दशा आएगी या बुध की दशा आएगी, ऐसे समय में बुध और राहु मिलकर के छप्पड़ फार करके आपको पैसा देंगे, इतना धन देंगे कि आपकी पूरी जिंदगी, जैसे बुध की दशा 17 साल की रहती है और राहु की 18 साल की रहती है, अब ऐसे में अगर राहु बुध के साथ में है तो दोनों में से किसी ग्रह की दशा अगर आ गई तो आपकी जिंदगी बदलनी ही बदलनी है। अब राहु की दूसरी स्थिति की बात करता हूँ। राहु के साथ गुरु का बैठना, हालांकि इसको चांडाल योग भी कहते हैं, लेकिन गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु के साथ राहु हो और राहु गुरु के नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, और आध्यात्मिकता के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी वाणी के बल पर, अपने प्रभुत्व के बल पर। जैसे मैंने बताया है कि राहु की दशा जब आएगी ऐसे समय में, या गुरु की दशा आएगी, राहु के बाद गुरु की दशा आती है, तो 18 साल वो और 16 साल ये 34 साल लगातार आदमी धन कमाता ही रहेगा, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनेकों प्रकार से, एन प्रकार से उसके घर पे धन आता ही रहता है। कोई भी काम करे, वो मिट्टी को भी छुए तो सोना बन जाता है, ऐसा व्यक्ति होता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, वो साधु स्वभाव का हो जाता है गुरु के साथ राहु रहने से।
गुरु अपनी स्थिति से राहु के प्रभाव को बदल देता है और वहीं पर तब राहु बहुत ही अच्छा फल देने लगता है। अब राहु के साथ बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ शुक्र बैठा हो, ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, या सुंदरता के क्षेत्र में। सुंदरता का क्षेत्र होता है सुंदरता से रिलेटेड बिजनेस को करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं ऐसे लोग, लेकिन भोग और विलासिता की चीजों का कारोबार करते हैं, ऐश्वर्य की चीजों का कारोबार करते हैं, जिसको कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का कारोबार करते हैं। विदेश से राहु शुक्र के साथ बैठ करके अद्वितीय रूप से आदमी के नाम को बहुत ऊंचा उठा देता है और आदमी अपने जीवन में जिस क्षेत्र में काम करेगा उसमें सफल ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जन्म कुंडली में यदि इस तरह के योग नहीं बन रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में राहु और शुक्र, राहु और गुरु, राहु और बुध, राहु और शनि, किसी के साथ भी राहु की स्थिति को बनाया जा सकता है जन्म कुंडली को देख करके, ताकि वो उसी तरह का प्रभाव दे। इस तरह का योग जन्म कुंडली देख करके बनाया जा सकता है ताकि राहु उसी तरह का प्रभाव दे। वह प्रभाव जन्म कुंडली देखने के बाद यंत्र के द्वारा, मंत्र है, रत्न है, पूजा पाठ, होम हवन है, या जप तप के द्वारा उसमें योग को देखा जाता है कि कैसे बनाया जा सकता है। उसी तरीके से वह काम करके ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर कि कौन से ग्रह की डिग्री कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कौन से ग्रह को किस घर से काम करवाया जाए, उसका रत्न हाथ में पहनाया जाए या गले में पहनाया जाए या बांह में पहनाया जाए, क्योंकि सभी जगहों से रत्न अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। और यह भी देखा जाता है कि राहु का रत्न जो गोमेध है, या शुक्र का रत्न हीरा है, बुध का पन्ना है, शनि का नीलम है, किसके साथ कौन सा रत्न धारण करवाया जाए, किसके साथ कौन सा रुद्राक्ष धारण करवाया जाए, या अन्य किसी प्रकार के यंत्रों को धारण करके या पूजा पाठ करके किस तरह से उस प्रकार का योग बनाया जाए, इसे बनाया ही जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह का योग बना करके आदमी जिंदगी में अनेकों प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकता है। एक जनरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी लोग कर सकते हैं। हालांकि मैंने बार बार जिक्र किया है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कोई उपाय करें। राहु को प्रबल बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की स्थिति में राहु हो, उसको प्रबल बनाने के लिए राहु के यंत्र पर पंच धातु में राहु का यंत्र बनवा के राहु का रत्न गोमेद अच्छे किस्म का लगवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके यदि व्यक्ति धारण करता है शुभ मुहूर्त में, तो व्यक्ति के जीवन में राहु अपना काम सुचारू रूप से करने लगता है और समय समय पर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह घूमते हुए राहु के साथ युति करता है तो राहु उसका भी प्रभाव लेकर के, उसको अपने साथ लेकर के आपको वो सफलता दिलवाता है जिस तरफ आप प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जानकारी जो मैंने दिया है आपको पसंद आई होगी। और बार बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु ग्रह रातों रात आपको मालामाल बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपके कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें ताकि मैं उसका समाधान आपको दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।